यार ये बाल देख मेरे चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए। हाँ वो कबूतर एक्चुअली आया था रात में अंडे देने के लिए, बड़े थोड़े कम ग्रोथ है अभी, थोड़े और बड़े अंडा देके जाएगा इसमें वो। सच में वही लग रहा है, घोंसले लग रहा है पूरा, पता नहीं ये मैगी की तरह। हम व्लॉग करें तेरे बाल काटते हुए। नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप देखना चाहते हो अंजलि मेरे बाल काटे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आज हमारा चैलेंज वीडियो बनाने का प्लान था बट धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी की वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए घर पे। तो अभी तो हम लोग आए टेरेस पे, अभी बजे 6:15, तो करते हैं कुछ बात, कुछ अलग टाइप का व्लॉग बनाते हैं आज। अंजलि मैं तुझसे कल पूछना भूल गया, वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे तू क्या सोचती है? तुझे मेरे ओपिनियन कहाँ मैटर करते हैं, मैंने तुझे कहा था मेरे को व्लॉग में लेना, तूने लिया नहीं मुझे। पर मैं भूल गया व्लॉग शूट कर रहा था तब। तब तो बता तू क्या सोचती है, यूट्यूब या टिकटॉक? दोनों अच्छे हैं मतलब, बट टिकटॉक मुझे ज्यादा बकवास लगता है। पर टिकटॉक तू ज्यादा भी तो दिखती है। हाँ देखते, कुछ अच्छा कंटेंट आता है उसमें, एक दो लोगों को मैं फॉलो करती हूँ वो अच्छा बोलते हैं एक्चुअली, मतलब हस नहीं। पर तुझे क्या लगता है टिकटॉक पे कोई वैल्यू वाले वीडियो आए या नहीं? हाँ कुछ कुछ वैल्यू वाले वीडियो देखे हैं, पर कुछ कुछ फालतू लोग भी इतनी जल्दी मतलब उसमें बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं एक्चुअली लोग। मैंने देखा था, मैंने तो बोला नहीं था, एक दो लेडीज है वो खाना बनाते समय सिर्फ बोलती है डायलॉग्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग फालतू है, कह सकते हैं बहुत ज्यादा लोग है, बट हम इसको कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बना सकते। नहीं पर बहुत ज्यादा फालतू वीडियोस है वहाँ पे, और प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ज्यादा प्रमोट किया जाता है टिकटॉक पे फालतू वीडियोस को, बट अच्छे वीडियोस भी है। अच्छे वीडियोस मुझे मिले थे, दो तीन मिलते हैं मतलब, उसके सिवा कुछ चैलेंजेस हैं मुझे अच्छे लगते हैं, कोई लोग अच्छे करते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ तो मैं तो कुछ और ही बना देती हूँ चैलेंजेस का, इवन आई ट्राइड। तो उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया कि मैं टिकटॉक के लिए नहीं बनी। और एज यू कैन सी यहाँ पे देखो सामने हमारे बिल्डिंग पे एल्डरली लोग खेल रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो कोना है ना, वो वाला कोना कौन सा, वो कोना नहीं है, बिल्डिंग है ना बिल्डिंग, हाँ ये वाली नहीं, वो वाली ये क्या क्या है नीचे वहाँ पे, ग्वालिया स्वीट्स। और रबड़ी जलेबी बहुत पसंद थी मेरे को, कभी पता नहीं जिंदगी में मिलेगी खाने को भी नहीं। नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी, अभी तो लॉकडाउन 4 है ना, 5-6 आएगा देख ले। मेरी जिंदगी ऐसे जेल बन गई, तुझे बाहर जाना है। ऐसा लग रहा है जेल में तू। सो क्या बोल रही थी? मैं करण को घसीट के ऊपर लेके आई हूँ एक्चुअली, वरना ये वो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे वीडियोस में, सोफा है ना, सोफा कोने में, वहीं कोने में बैठा रहता है। तो नहीं आज हुआ क्या था कि हम लोग चैलेंज वीडियो शूट करने वाले थे जैसा मैंने आपको पहले बताया, और चैलेंज वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि इसे लग रही थी गर्मी, बहुत गर्मी, क्योंकि करण फैन बंद करवा के शूट कर रहा था। हाँ तो उसमें क्या है, सभी लोग फैन बंद करके शूट करते हैं, गर्मी है गर्मी। हाँ इसीलिए तो नहीं है करने चैलेंज, इसीलिए हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे, ये पता नहीं ये क्या बन रहा, हम लोग ये बना रहे हैं कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग बोल सकते हो शायद आप इसे, तो पता हम लोगों के थोबड़े देख रहे हैं तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग समझ रहे। प्लीज जो भी है पूरे वीडियो में ही दिखने वाला है, तो मजा आ रहा है तो देखते रहिए वरना आपकी मर्जी है। अगर आप बोर हो गए ना तो करण को मारना, क्योंकि ये आधा उसका आइडिया था, थोड़ा मेरा आइडिया था, क्योंकि मैंने इसे छत पे आने के लिए बोला था। तो रात को यहाँ पे ये जो दिख रही, इसे क्या बोलते हैं, खटिया दिख रही है आपको, तो यहाँ पे ये खटिया चारपाई, सभ्य लैंग्वेज में चारपाई, ये यहाँ पे लोग बिछा के सोते हो, काफी मुझे लगता है काफी अच्छी नींद आती होगी यहाँ पे। हाँ नीचे से तो अच्छी आती है, वो कूलर तूने सड़ा से ले रखा है, सिम्फनी का हवा देता नहीं, पता नहीं किस कबूतर को हवा देता है। पर इतना छोटा, हम एक दिन हम व्लॉग बनाएंगे एक दिन, हमारा कूलर इतना सड़ा कूलर है, वो एक बंदे को भी हवा कैसे देता है मुझे समझ नहीं आता वो। अभी फ्रस्ट्रेशन की वजह ये है कि कल रात को 2 बजे तक ये नहीं सो पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी और कूलर में से हवा नहीं आ रही थी, मतलब हवा तो आ रही थी बट इसे हवा नहीं लग रही थी, तो 2 बजे रात को सोई है वो, लग ही नहीं रही थी। मैं सच्ची उस कूलर के ऊपर मैं व्लॉग बनाऊंगी एक दिन, उस कूलर को मैं दिखाऊंगी वो कितना छोटा कूलर है। नहीं तूने वो क्या सोच के लिया था पहले बता, वो अनकूल कूलर है। हाँ सीरियसली कुछ ऐसे ही कूलर है वो। मैं हाँ कूलर की चुगली कर रही थी। क्या मैं कूलर और फ्रिज के बारे में बोल रही थी एक्चुअली, कल हमने फ्रिज साफ किया था और मैंने कूलर भी।
हाँ नहीं, कूलर इतना मेहनत का काम नहीं जितना फ्रिज है एक्चुअली, क्योंकि बैचलर्स जो होते हैं ना, ये बैचलर था पहले, वो कुछ भी कचरा खरीद सकते हैं एक्चुअली, तो इसने दो दिन कचरे खरीदे थे जिसको मुझे मेंटेन करना पड़ रहा है, बिकॉज अभी हम रेंट पे रह रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि नया क्यों लेना है कुछ भी, तो हमने कल पूरा फ्रिज साफ किया जिसमें बहुत टाइम लग गया, करण ने भी करी धुलाई पिटाई उसकी, उसके बाद फिर फाइनली मुझे बोला अनिल हमारे पास तो कितना अच्छा करना था, हम दिखाते कि हम सुबह से कितना कितनी मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर मैंने बोला हाँ वो तो है, बोलता कोई नहीं हम दोबारा से फ्रिज साफ कर लेते हैं, मैंने बोला पागल हो गए तेरे ब्लॉग के लिए मैं दोबारा से फ्रिज साफ करूँ, मैंने बोला बक जाए ऐसे। और यहाँ पे सामने टेरेस पे एज यू कैन सी फुटबॉल खेल रहे और इस तरफ ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। हम लोग भी एक काम करते हैं ना, कल से यहाँ टेरेस पे कुछ खेलते हैं इन लोगों की तरह। क्या खेले, पकड़म पकड़ाई? हाँ मजा आएगा। मेरे पास टेनिस, पुलिस वालों को तेरे पीछे छोड़ दूंगी, पकड़म पकड़ाई हो जाएगी तेरी। यार ये बाल देख मेरे चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए। हाँ वो कबूतर एक्चुअली आया तो था रात में अंडे देने के लिए, बड़े थोड़े कम ग्रोथ है अभी, थोड़े और बड़े अंडा देके जाएगा इसमें वो। सच में वही लग रहा है, घोंसले लग रहा है पूरा, पता नहीं ये मैगी की तरह। हम व्लॉग करें तेरे बाल काटते हुए। नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप देखना चाहते हो अंजलि मेरे बाल काटे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितनी एक टारगेट लगता है कि अगर ये 200 से ज्यादा लाइक्स आ गए तो मैं तुमको टकला कर दूंगी। टकला नहीं, बाल काटे की टकला नहीं, 200 से ज्यादा लाइक्स आ गई तो अंजलि मेरे बाल काटे टकला सपोर्ट करना। ठीक है कमेंट में आप लिखना, हम लोग देख लेंगे 200 से ज्यादा लाइक्स। ठीक है चल अंजलि, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद सबसे पहली चीज तो क्या करेगी? गलत क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे। क्यों? मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें हैं। हाँ तो बता कुछ, दो तीन चीज बता। पिज्जा, फिर बर्गर। नहीं खाने के अलावा? खाने का तो दिख रहा है। एक्चुअली मेरे दिमाग में खाना ही चलता है ज्यादातर, तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं प्रेफर करूंगी कि थोड़ा बाहर निकले, फ्रेश हो, बिकॉज मैं अपनी मॉम से नहीं मिल पा रही हूँ, वो बहुत पास रहती है मेरे, तो मिलेंगे फ्रेंड्स से, करण के हिसाब से चिल करेंगे हम। हाँ वो मैंने बंद कर दिया बोलना व्लॉग में। तो, चिल करेंगे फिर अपने जाएंगे बैठने के लिए, मैं नई शादी हो गई हूँ मैं फिर एटलीस्ट, और ऊपर से फिर करण के मॉम डैड से मिलना है, उनसे बहुत टाइम हो गया मिले, अमरेली जाएंगे घूमेंगे। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स, तो हम लोग अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए जा रहे हैं इतनी ब्रिस्क वॉकिंग के बाद टेरेस पे, तो कैसे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है मैं आपको वो दिखाती हूँ। लेट्स गो डाउन। क्या बना रहे हैं हम लोग बनाएंगे काढ़ा। काढ़ा पापा ने थोड़ा सा टिप्स भी दी थी और थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था, क्योंकि हम लोग मतलब हल्दी वाला पानी तो पीते ही है, बट इसके सिवा काढ़ा पापा ने बताया है, तो वो आज ट्राई करते हैं। आपने अंजलि क्या हुआ, तू साइड में क्यों बैठी कोने में? मैंने आयुष भारत वाली साइड पे देखा, बट एक्चुअली हमारे पास चीजें नहीं है अभी, तो हम लोग अपना रेगुलर ड्रिंक पीने जा रहे हैं, वो है हल्दी में पानी नमी ला के और सॉल्ट डाल के, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। क्यों नमक डालते? हल्दी पी के दया होता है इसलिए। अच्छा इसलिए मैं नमक डालता हूँ, अच्छा लगता है नमक। तो गाइस काढ़ा हो गया रेडी आपके सामने, हल्दी और नमक डाला और पानी को थोड़ा गर्म किया है, तो पीते हैं और फिर आपको बताते हैं रिव्यू कैसा है। क्या रिव्यू कैसा है? लिटरली मतलब उसमें मैंगो शेक है, बकवास होता है, बट नमक डाल के अच्छा लगता है। मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो पी सकते हैं, अच्छा होता है, बिकॉज पता है आपको कैसे हालात चल रहे हैं। अगर आपको थोड़ी सी खांसी या जुकाम है या फिर सर्दी है तो आप डेफिनेटली ये दिन में एक दो बार पी सकते हो, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और दूध में मिला के भी, दूध में मिला के भी हल्दी से आप पी सकते हो। ने अपना काढ़ा मैंगो शेक की तरह खत्म कर चुका है, जो मैं अभी तक लेके बैठी हूँ, जो अभी तक ये पी रही है, मैंने फटाफट खत्म कर दिया है, तो ये व्लॉग भी यहीं पे खत्म करते हैं। और अंजलि को मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं लिया था, उसका उसे बुरा लग गया था, तो ये व्लॉग पूरा उसके साथ मैंने चलता व्लॉग बनाया मेरे लिए। पता नहीं व्लॉग बनाया क्या बनाया, हमने कुछ भी बना दिया, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विद अ कंटेंट इन दिस लॉकडाउन, बिकॉज घर पे बैठ के हम कितना कंटेंट बना सकते हैं। फिर भी हमने ट्राई किया है कि हम लोग एटलीस्ट वीक में एक या दो वीडियो डाल दे, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ऐसे और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो हमारी लाइफ से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक पे हम दोनों के कुछ वीडियोज देखना चाहते हो, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग आए तो उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। पंखा चला।